माहोबा जनपद के चरखारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोरहरी में ताबड़तोड़ हो रही है। चोरियां बकरियां चोरी होने से पशुपालकों में हड़कंप। गोरहरी पुलिस पर लग रहे गंभीर आरोप। कोतवाली क्षेत्र के गोहरी गांव में सप्ताह भर में 2-3 पशुपालकों की लगभग 2 दर्जन बकरियां चोरी हो जाने से गोरहरी क्षेत्र के पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस पर भी तरह तरह के आरोप ग्रामीण और पशुपालक लगा रहे हैं। 2 पशुपालकों के घर में 1 घेर के 4 बकरियां और 1 घेर के घर से 5 बकरियां चोरी हुई थी। तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पशु चोरों के हौसले और बुलंद हो गए। बीती रात दिलीप कुमार पुत्र इंद्रपाल के घर से चोरों ने पहले दीवार तोड़ी, फिर उसके घर से बनी 9 बकरियां चोर उड़ाकर ले गए, जिससे गोरहरी गांव में हड़कंप मचा हुआ है और गोरहरी पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैं भैया आपका दिलीप कुमार, क्या घटना घटी? घटना ये हुई है कि जो बकरियां थी वो रात में चोरी हुई हैं और 9 बकरियां थी और ये करीब लगभग 8 दिन में ये कम से कम 4थी घटना है जो निरंतर ये बराबर चल रही है। आपने एप्लीकेशन दी? हाँ, अभी तहरीर दी है चौकी में, सूचना कर दी। अब देखते आगे क्या होता है, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या घटना घटी है? चोरी मंगलवार की रात में बकरियां चोर ले गए। क्या बकरियां? 4 बगल वाले। तो आप लोगों ने सूचना वगैरह दी थी पुलिस को? सूचना दी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस आई थी क्या चोरी की घटना देखने? नहीं आई। नहीं आई चोरी की घटना देखने? नहीं आई पुलिस? नहीं आई। कहाँ से हैं? गोहराई से। क्या समस्या हुई आपको? चोरी हो गई। कहाँ पर? गोहराई। काहे की चोरी हुई? कितनी बकरी चोरी हो गई? 5। तो आपने पुलिस को तहरीर वगैरह दी कि नहीं दी? तो क्या हुआ? प्लस कोई नहीं सुन रही। भैया आपका? 15,000। क्या घटना घटी है आपके साथ? हमारी बकरी चोरी हो गई है बहुत दिनों से। गांव में भी चोरियां हो रही है, स्कूल में चोरी हो गई थी और हमारे साथ एक लोग की और बकरी यहाँ की चोरी हो गई। उनकी 5 बकरी चोरी हो गई थी, हमारी 4 और एक और अभी आज हो गई। मंगलवार को थी हमारी और आज रविवार को एक जन की और हो गई थी। 9 बकरी चोरी हो गई। तो ये बताइए पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है अभी तक? अभी तक रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस घटनास्थल तक भी नहीं पहुंची कभी? नहीं, हमारे यहाँ पे सुनते।